तो चलिए फ्रेंड्स, आज ग्रो करते हैं अपने किचन गार्डन के लिए हरी प्याज को। ये जो मुझे पौध मिली है, मुझे 10 रुपीज की पौध मिल गई और इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट्स हैं। तो हरी प्याज ग्रो करने के लिए मैंने जो सॉयल मिक्स बनाया है, इसमें मैंने 40% गार्डन सॉयल, 40% कंपोस्ट और 20% मैंने इसमें राइस खस्क मिलाया है। इससे हमारी जो सॉयल एकदम भुरभुरी सॉयल बन जाती है। तो जो मैं हरी प्याज लगाने वाला हूँ, ये मैं अपने ग्रो बैग में ग्रो करने वाला हूँ, जिसको कि मैंने ऑर्गेनिक बाजार से खरीदा था। तो सबसे पहले मैंने जो अपने गार्डन की ड्राई लीव्स है, सबसे पहले मैंने इनको नीचे डाल दिया है। अब जो हमने सॉयल मिक्स बनाया था वो हम इसमें डालेंगे। तो अब हम इस सॉयल मिक्स को इसमें ऐसे फिल कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने ये पौध ली है, अब बस आपको इस तरह से लगा देनी है। एक ग्रो बैग में आप जो आपके मेरा का है, तो इसमें मैं 5 से 6 पौध ऐसे लगा दूंगा। तो देखिए, हमारी प्याज लगकर एकदम बिल्कुल रेडी है। अब बस इसमें आपको अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। फ्रेंड्स, ये 10 दिन बाद का रिजल्ट है और प्लांट अच्छे से सेट हो गए हैं और उनमें नई ग्रोथ भी निकलना स्टार्ट हो गई है। इसमें मैं कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करने वाला हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई पेज।